दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति 2021-30। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर नई जनसंख्या नीति 2021-30 लाने की घोषणा की है। इस नीति में उन लोगों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है जो जनसंख्या नियंत्रण में मदद करेंगे। इस नीति का मसौदा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किया गया है। यह मसौदा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के निष्कर्षों पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गरीबी और अशिक्षा जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारण हैं। कई समुदायों में जनसंख्या के बारे में जागरूकता की कमी है, ऐसे में समुदाय आधारित जागरूकता प्रयासों की आवश्यकता है। नई नीति के तहत राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत जारी गर्भ निरोधक उपायों की पहुंच बढ़ाने और सुरक्षित गर्भपात के लिए एक उचित प्रणाली प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा नपुंसकता और बांझपन की समस्या का उचित और सुलभ समाधान प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। इस नीति के द्वारा नवजात और मातृ मृत्यु दर को कम करके जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। इस नीति में 11 से 19 वर्ष के किशोरों को बेहतर प्रबंधन, स्वास्थ्य और पोषण प्रदान करने के साथ साथ बुजुर्गों की देखभाल की भी व्यवस्था की संभावना है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2000 से 2016 की अवधि समाप्त हो गई है, इसलिए नई नीति लाने की आवश्यकता है। इसके तहत नवजात शिशुओं, किशोरों और बुजुर्गों की डिजिटल ट्रैकिंग के साथ साथ स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाने का भी निर्देश दिया जाएगा।